वेलकम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं PBR स्टडी और इस समय हम उपस्थित हैं नए यमुना ब्रिज इलाहाबाद यानी नैनी के पुल पर। और यहां आप देख रहे हैं खूबसूरत नज़ारा। उत्तर प्रदेश इंडिया में स्थित यह ब्रिज विश्वविख्यात पर्यटन की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण। इसकी खासियत है कि यह ब्रिज मात्र 2 किलोमीटर पर टिका हुआ है। 2 किलोमीटर मात्र टिका हुआ है और इतना ही नहीं, आपको बता दें कि इस ब्रिज की जो लंबाई है टोटल वो 15 से 10 फीट है। और सोनू सर यहाँ पर कूदने वाले थे, इनको हम इसलिए पकड़ के लेके चल रहे हैं। अभी झांक वाँक रहे थे भाई, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी होता है, जो लोग कूदते हैं वो तुरंत मृत्यु को प्राप्त होते हैं। और काफ़ी प्रेमी जोड़े यहाँ पर आकर के कूद कर कहानियों को ख़त्म मतलब यहाँ पर अथाह पानी होता है भाई, जो भी कूदता है उसको मृत्यु अवश्य मिलती है। इसे सुसाइड पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। टोटल 1510 मीटर लंबाई का यह जो पुल आप देख रहे हैं, ये ईस्वी का बना हुआ है। आपके साथ ही आपके प्यारे सर राजकुमार सर जी, देखिए फोटो खिंचवाते हुए अपनी ये नए यमुना पुल पर जो आपको लाइव दिखा रहे हैं, आज नए यमुना पुल की विशेषताएं आपको बता रहे हैं। तो सर आपने अपने सर से बहुत कुछ सीख लिया। देखिए यहाँ पर क्या लगा है, ये पवन चक्की का एक छोटा सा रूप आपको देखने को मिलेगा। ये हमें लगता है सौर ऊर्जा का कोई पार्ट है जिससे कोई यंत्र लगा हुआ है यहाँ पर, और क्या है ये इसके बारे में तो मुझे नहीं पता है, लेकिन फिर भी ये किसी विशेष कार्य के लिए लगाया गया है, जो कि हमें लगता है हवा की दिशा को बताता है। ऐसे ही कुछ है भाई ये। और इतना ही नहीं दोस्तों, आप लोग जानते होंगे एक महत्वपूर्ण जो दोस्तों यहाँ से नैनी से यानी कि इलाहाबाद के नैनी जो आप देख रहे हैं, यहाँ से कर्क रेखा भी गुजरती है, यानी कि जो कि मिर्जापुर से होते हुए जाती है किरण पर। ये भाई मोहम्मद सोनू सर जो आप देख रहे हैं, आपको पहले बायोलॉजी पढ़ाते थे और अब फिर भी पढ़ाएंगे, ये थोड़ी सी समस्या हो गई थी इस वजह से इन्होंने क्लास लेना बंद कर दिया था, फिर भी चलिए। चलिए भाई चलते हैं, स्कूटी को हमने काफ़ी दूर खड़ी कर दिया है इस वजह से। चलिए भाई चलते हैं, बाइक आप देख रहे हैं काफ़ी आगे खड़ी है भाई वहाँ पर। दोस्तों ब्रिज की एक खासियत है कि यह ब्रिज टोटल स्टील से निर्मित है, यहाँ पर लोहे का निर्माण नहीं हुआ है, मतलब लोहे का प्रयोग नहीं हुआ है। स्टील से निर्मित यह जो पिलर हैं आपको दिख रहे हैं, ये 2004 ईस्वी में बनकर तैयार हुए हैं और लगभग 150 फीट की ऊंचाई के ये पिलर आपको दिख रहे हैं, जो कि इस सड़क से 150 फीट ऊँचाई है। जानकारियाँ हम आपको दे रहे हैं भाई लगभग में, आप इनको वेरीफाई कर सकते हैं कहीं से।
और दोस्तों इस ब्रिज की जो खासियत है उसको दिखाने के लिए यहाँ पर स्ट्रीट लाइटें भी लगी हुई हैं जो कि रात के समय में जलती हैं और इस ब्रिज की शोभा को बढ़ाती हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे अभी काफ़ी लाइटें नहीं जल रही हैं, तो ये रात में जलती हैं और पूरा का पूरा ब्रिज इन लाइटों से। और जो लोग सुसाइड करने आते हैं उनको रोकने के लिए यहाँ पर काफ़ी आप देख रहे होंगे गार्ड भी तैयार किए गए हैं जिससे कोई भी सुसाइड ना कर पाए। सही से लगा लो गिर जाएगा यार, चला जाएगा उधर। सही से लगा उसको, सही लगाओ गिर जाएगा, मानो उसको गिर जाएगा। यहाँ पर बहुत से लोग भाई अपने सेल्फी लेने के लिए आते हैं, पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। आप देख रहे हैं अगर हम शाम के समय में आए होते तो आपको दिखाते हैं यहाँ पर काफ़ी मात्रा में भीड़ लगी होती, लेकिन ये आप देख रहे हैं धूप का टाइम है भाई, तो सुबह के टाइम में यहाँ बहुत कम लोग आते हैं क्योंकि काफ़ी मात्रा में धूप लग रही है। ये तो हम लोग किसी काम से आए थे तो यहाँ पर रुक गए भाई, नहीं तो शाम के टाइम में आए तो यहाँ पर काफ़ी भीड़ लगी होती है। ये आप देख रहे हैं नैनी इलाहाबाद का इंडस्ट्रियल एरिया जहाँ पर काफ़ी मात्रा में फैक्ट्रियाँ हैं, पेपर्स मिल वगैरह हैं, जहाँ पर हिंदुस्तान पेपर्स मिल वगैरह के काफ़ी बड़े बड़े नाम टेलीफोन कंपनी इलाहाबाद में मशहूर हैं, टेलीफोन कंपनी और काफ़ी यहाँ पर फैक्ट्रियाँ यहाँ पर लगी हुई हैं इस साइड में जो आप देख रहे हैं। हिंदुस्तान केबल लिमिटेड निगम लिमिटेड यहीं पर इलाहाबाद।